नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज जिनसे हम सीधी बात करने जा रहे हैं, उन्होंने दरअसल अपनी पूरी जिंदगी के पन्ने पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिए हैं। जो फिल्मी संजू फिल्मी तो संजू है, लेकिन वो नहीं है जो फिल्मी पर्दे पर थे। बहुत कंफ्यूजन है। संजय दत्त, आपने खुद क्यों नहीं ये रोल निभा लिया? ये मैं रोल नहीं निभा सकता था, क्योंकि एक ये पिक्चर रॉकी से लेके अब तक थी, और मेरा करना मुझे सही नहीं लगा कि ये पिक्चर मैं करूं। रणबीर की एक्टिंग अच्छी लगी, संजय दत्त बन पाए वो? बहुत बहुत कमाल का काम किया है वो लड़के ने, और मैंने उसको एक टाइम नहीं 100 टाइम कहा कि तूने एक कमाल का काम किया है, एंड यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। और उनका खासकर जो आपकी तरह की जो टिपिकल बातें वो करते थे, मतलब जो संजय दत्त को पर्दे पर देखते थे, कुछ देर के लिए ऐसा भी लगता था कई लोगों को, और खासकर कई दौर जो आपकी जिंदगी के उन्होंने निभाए हैं जी। आपने उनकी बॉडी बिल्डिंग में भी मदद की है सुना है? वो तो बॉडी बिल्डिंग के पीछे मैं बहुत शुरू से था, संजू से शुरू से पहले। अच्छा। ये कर और अल्टीमेटली उसको करना ही पड़ा। लेकिन एक्टर के तौर पर कहां रेट करेंगे उन्हें? एक्टर तो वो बहुत ही अच्छा एक्टर था और है, लेकिन ये जो किरदार निभाना बहुत मुश्किल काम था एक्चुअली, और जो काम आई थिंक उसने किया है 100/100 मैं दूंगा उसे। जब इस फिल्म से पहले बात कर रहे थे तो हम राजू हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा सबने कहा कि ये सुपर बड़ा बिल्कुल संजू के अंदाज में बोलता है। तो आपको ऑब्जर्व किया होगा उन्होंने बहुत ज्यादा, तभी तो सुनते हैं रात में 2-2 बजे फोन कर देते थे, कभी भी आपसे बातचीत हो जाती थी। जी, कभी भी करते थे, और खास करके ये कि रणबीर को मैंने बहुत छोटी उम्र में देखा है, और उसने काफी वक्त मेरे साथ गुजारा है जिम में। जब एक्टर बने थे तो काफी महीने मेरे साथ जिम में रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ संजू, ऐसे ही एक नहीं, वो कहते थे आपको आइडलाइज करते हैं। अच्छा। जब आपको पहली बार देखा आपके, उन्होंने कहा कि लंबे लंबे बाल, एक कान में पहना हुआ है, और लगा कि अरे हीरो तो ऐसा होता है। तो एक वो पीढ़ी है जो आपकी फिल्मों को देखकर बड़ी हुई, एक वो पीढ़ी है जो उतना ज्यादा आपको देखा नहीं था पर्दे पर, लेकिन अब संजू देखिए तो लगा कि अच्छा संजय दत्त ये है, मुन्ना भाई नहीं है, संजय दत्त ये है। संजय दत्त है कौन? एक अच्छे इंसान है जिसने थोड़ी बहुत गलतियां की जिंदगी में, और उसने सजा भी काट ली उसकी, तो ये संजय दत्त है। यही है संजय दत्त जी। इस फिल्म के अंदर जो चीजें हमने देखी थी वो मसाला कितनी और असलियत कितनी? ये पूरी पिक्चर असलियत है, इसमें कोई मसाला नहीं। मसाला कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आई थिंक जो जर्नलिस्ट का किरदार है शायद वो बनाया गया, बिकॉज एक कहानी को आगे कैसे ले जाए। चलिए हम उन इंसिडेंट्स पर आगे आएंगे, लेकिन पहले जो अभी आपकी साहेब बीवी गैंगस्टर की तीसरी किश्त आ रही है, एक सक्सेसफुल सीरीज है, और उसमें अब संजय दत्त भी जुड़ जा रहे हैं जी। आपको तो हमने गैंगस्टर के क्यूट अवतार में भी देख लिया है, मुन्ना भाई, हमने वास्तव भी देखी है, तो ये गैंगस्टर अलग कैसे है? ये अलग गैंगस्टर है क्योंकि ये एक प्यारे गैंगस्टर हैं, क्यूट तो नहीं कह सकता लेकिन प्यार में है। हाँ। और एक ऐसी औरत के साथ जिसे खानदान एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये रजवाड़े के खानदान से हैं, एक वो छोटे घराने की लड़की है, और कैसे, और गरम दिमाग का आदमी है। अच्छा। हाँ, बहुत, और ये प्यार के लिए अपने कुछ भी कर सकता है, तो अपना पूरा बिजनेस लंदन का छोड़ के वो यहाँ आ जाता है, और फिर साहेब बीबी गैंगस्टर तो आप जानते हो। हाँ। कि कैसे चलती है ये। मैंने ऐसा किरदार या ऐसी पिक्चर कभी की नहीं, एक ये जॉनर की, जहाँ मतलब बिट्रेयल हो और एक राजा महाराजाओं की कहानी हो, या एक बोलने का अंदाज के आधा जी हुजूर और ये सब। हाँ। तो एक बहुत मजा आया ये करने में। मतलब संजय दत्त सोच के फिल्में कर रहे हैं, मैंने ये जॉनर नहीं किया है तो अब मैं ये करूंगा, सोच के आप? हाँ कह सकते हैं, मैं सोच के पिक्चरें कर रहा हूँ। और जैसे पूरी दुनिया को इंतजार है कि मुन्ना भाई की तीसरी किश्त कब आएगी, वो राजू हिरानी से पूछिए, मैं उसे, वो तो बनाने जा रहे थे, बनाते बनाते संजू बन गई। शायद आपकी कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग गई उन्हें, पता नहीं शायद।
अच्छा, अब वापस उस फिल्म की ओर आते हुए मुझे ये बताइए कि आप सच में सुपरस्टार, क्या सचमुच तक पहुंच गया था कि वो सुसाइड करने के सोचने लगा? एक वक्त ऐसे आ गया था मेरी जिंदगी में जहां मैंने सोचा कि बेहतर है कि यही हो जाए, ताकि मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, चाहे जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तब मेरी बहनें बहुत छोटी थी, मेरी पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी वो उससे पहले चली गई, तो फिर ये हुआ, डैडी चले गए, केस हो गया, ये हो गया, तो मैंने आई डेंट लिटरली के सुसाइड करूं, लेकिन मैंने बिल्कुल सोचा था कि मैं करूं। क्योंकि जिस चीज़ों का आपने जिक्र किया, जो इंसान उस दौर से गुजर चुका हो वो कभी टूटेगा ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। मैं नहीं टूटा, लेकिन मैं नहीं टूटा, और ये भगवान का आशीर्वाद है और एक मम्मी डैडी की दुआएं हैं मेरे पे। दो औरतें बहुत अहम रही हैं आपकी जिंदगी में, एक आपकी माँ और एक आपकी पत्नी। जी बिल्कुल, और माँ तो चली गई, लेकिन मेरी पत्नी से बड़ा एंकर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं रहा है, क्योंकि उस दौरान जब मैं जेल में था तो दो छोटे बच्चों को संभालना, 2 साल के थे, और मुलाकात पे आना या घर चलाना तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, और मुझे हौसला देना कि सब ठीक होगा, सब ठीक हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी माँ, फिल्मों के जरिए हमें, फिल्म के जरिए हमें पता चला कि आप टेप्स सुना करते थे उनकी आवाज़ की, और उससे आपका जो निश्चय है और आपका हौसला है वो बढ़ता था। मैं टेप्स उनकी, मैंने दत्त साहब ने मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में भेजी थी और मुझे बोला नहीं गया था, लेकिन वो टेप बोला गया था कि इसे सुना देना, तो जब वो टेप्स मैंने सुने तो माँ की आवाज़ और जो माँ ने कहा मुझे उस टाइम पे, वो चीज़ जो मैंने सुना, जो उन्होंने कहा, वो मेरे माइंड को बदल दिया था माँ ने। उस दिन के बाद मैं सोचा कि मैं कभी ये ड्रग्स कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में। आपको बिग ब्रदर कहते हैं कई स्टार्स हैं, मेरा ख्याल है शाहरुख खान भी कहा करते थे कि मतलब मैं हमेशा बड़ा भाई मानूंगा, मैं जब मुश्किल में था तो संजय दत्त ने मदद की थी मेरी। आपको गैंगस्टर के रोल क्यों दे दिए जाते हैं? शायद मैं गैंगस्टर में अच्छा लगता हूँ। आपको खुद महसूस होता है ऐसा या लगता है डायरेक्टर? नहीं, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि क्यों गैंगस्टर का रोल करते हो, लेकिन शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या मेरे कपड़े ऐसे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन आई थिंक उन लोग को ये जमता है कि संजय दत्त ये कपड़ों में बंदूक वंदूक लेके आए, क्या पता। ये आप मानते हैं कि जब मुन्ना भाई का किरदार आपने पहली बार किया उसके बाद आपकी छवि बदली? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को लेकर कि राजू हिरानी ने संजय दत्त की छवि बदलने की कोशिश की है संजू के जरिए, तो आप क्या कहते हैं? किसी की छवि बदलने के लिए कोई आदमी 25 या 30 करोड़ खर्चा नहीं करेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, और अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन उनके सामने मैंने अपनी ज़िंदगी पेश कर दी और सही में पेश की है, इसमें कोई झूठी बात नहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से उस समय भी पूछा, रणबीर कपूर से ही पूछा कि आप कभी अपनी लाइफ पर बायोपिक बनाने देंगे, उन्होंने कहा कभी नहीं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत लगी थी आपकी जब पहली बार आपने अपनी ज़िंदगी की वो बातें कहनी शुरू की जो किसी को नहीं पता थी? बेसिकली मेरी पत्नी ने राजू जी को बोला था कि संजय के लाइफ के ऊपर पिक्चर बनानी चाहिए, तो उन्होंने बोला क्यों, 2-3 हादसे सुनाए, तो फिर उनको सही लगा कि एक अच्छे हादसे हैं, बन सकते हैं। तो फिर जब मैं पेरोल पे आया था तब मैं काफ़ी टाइम राजू के साथ बैठा और फिर उनको मैंने आस्ते बताया कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और क्या है, और उन्होंने बोले पिक्चर बननी चाहिए, तो मैंने बोला बनाओ, और ये ज़रूरी था कि लोगों को पता चले कि मेरी ज़िंदगी क्या थी, मतलब ये नहीं है कि बहुत मेरी ज़िंदगी में फूल बरसे थे, ये बहुत ज़रूरी था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, ये देखें कि ड्रग्स के साथ क्या होता है और वो कभी ड्रग्स ना करें, ये मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं करूँगा अभी आगे चल के, और
गलतियां कभी मत करो, क्योंकि अगर सोच समझ कर करो सब, बिना सोचे करोगे तो फिर उसका नतीजा ये भी होता है। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि आप अपनी लाइफ की गलतियों के जरिए आप यंगस्टर्स को ये समझाना चाहते थे कि ये मत करो, मत करो, ये मैंने किया था। बिल्कुल, ये समझाना चाहता था, माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि माँ बाप कब चले जाते हैं समझ नहीं आता, कितनी चीजें बोलनी होती हैं जो बोली नहीं जाती क्योंकि वो नहीं रहे हैं। तो अपनी इमेज को बदलना मुझे 55 इयर्स में नहीं लगा तो अभी क्यों लगेगा। मीडिया से बहुत नाराजगी आपकी रही? एक पैसे की नाराजगी नहीं है, मीडिया ही तो विलन था संजू में। मीडिया विलन नहीं था, मीडिया का एक वर्ग सिर्फ, एक हिस्सा मीडिया का, एक तबका, कुछ लोग। देखिए, अभी अभी भी मुझे पूछा गया था कि मीडिया हैमरिंग आपने की है, मैंने बोला कि मैंने कोई मीडिया हैमरिंग नहीं की है। मीडिया में मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक हेडलाइंस लिखने से जो आपको आपने कन्फर्म भी नहीं किया है और उसमें एक क्वेश्चन मार्क डाल दें, तो एक इंसान के ऊपर या किसी फैमिली के ऊपर कितना बड़ा असर होता है। तो इसमें बैजरिंग मत बोलिए या मैं नाराज़ नहीं हूँ, मीडिया मेरी फैमिली है और अगर मैं नाराज़ हूँ तो मेरा हक बन जाता है। क्योंकि यही मीडिया थी जिसने ये भी लोगों को बताना शुरू किया कि संजय दत्त पर्दे के से अलग कैसी जिंदगी जीते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आपका वो ह्यूमन फेस भी तो मीडिया ने पेश किया फिर? कभी पेश किया ये बताइए? अरे बहुत आर्टिकल्स हैं जिसमें एक बताइए मुझे। चलिए ना, मैंने ही अभी बताया ना कि शाहरुख खान कहते हैं कि संजय दत्त मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं वो दूसरी, लेकिन जो मैं कैंसर के लिए करता हूँ या ऑफन चिल्ड्रंस के लिए करता हूँ या अपना एड्स पेशेंट्स के लिए करता हूँ वो कहाँ बताया कभी। तो ये सब बताना, मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक क्या उसके घर पे आरडीएक्स आया था ये बेटर है या संजय दत्त हेल्प्स कैंसर पेशेंट्स ये बेटर है, इसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता तो है। बिल्कुल नहीं, एक नहीं। पैसे की बिल्कुल नहीं। किसी से नाराजगी आपको रहती है? क्योंकि गलतियां आपने की, आपने कहा कि मैंने गलतियों को स्वीकारा, ऐसा मत करो, लेकिन जो आलोचना होती है, जो क्रिटिसिज्म होता है, वो आपको चुभता है कहीं आज भी? पहले बहुत चुभता था, लेकिन आई थिंक भगवान ने बोला कि भैया तेरे को गुस्सा भी बहुत आता है और चुभता भी बहुत है, चल जेल के अंदर तेरे को शांत कर देंगे। तो उन्होंने जेल भेज दिया और मैं बहुत शांत हो गया, क्योंकि सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया, आपको आर्म्स एक्ट में सजा हुई, टेरर के चार्जेस नहीं थे। लेकिन आज भी जब पांचजन एक आर्टिकल लिखता है तो उसमें टेररिस्ट का जिक्र कर देता है, क्या ये चीजें, या फिर जो मुझे अभी, मुझे आज खुशी हो रही है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जी, कि आप पे आर्म्स एक्ट का केस लगा और टेररिज्म का केस नहीं, तो शायद ये पिक्चर की वजह से ऐसे आपको लग रहा होगा, मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आर्टिकल्स छप रहे हैं अभी भी, तो अभी अगर उनको नहीं समझ में आती बात तो क्या करें, आई फॉरगिव देम। जो दत्त साहब अपने गुरुजी की बात करते थे और उसमें कुछ तो लोग कहेंगे, ये सच में अहम है आपकी जिंदगी में? बिल्कुल है, और वो भी गाना बहुत अहम है, ना सर झुका के जी। सच में गाते हैं आप? नहीं, मैं नहीं गाता या फिर बस लिपसिंग कर लेते हैं उस पर? लिपसिंग बेटर है, ये पैसे मिल जाते हैं लेकिन कम से कम लड़कियों के मामले में आपको कभी नहीं चुभा होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, उस समय नहीं सोचा लड़कियों के? अगर लड़की बोले तो जी, और कौन सोचे? ये 308 का फिगर कहाँ से आया? 308 मतलब कोई राउंड ऑफ कर देता है, कोई बोलेगा 300, 350। आई थिंक राजू ने मुझे पूछा कितनी तेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो मैंने बोला कि 308 ऐसे करके तो बोले अच्छा लगे ना तो मतलब ये सच है? हाँ सच है ये। नाम लेकिन नहीं याद होंगे? नाम कैसे याद होंगे 300 के? अच्छा, मतलब कुछ नाम खाली याद रह गए। एक जो चीज आपकी फिल्म में स्टैंड आउट की संजू में, वो ये कि आपने एक, क्योंकि देखिए पब्लिक लाइफ आप जीते हैं तो बहुत सारी चीजें तो दुनिया को पता चलती रहती है, लेकिन आपने प्रोटेक्ट की सबकी आइडेंटिटी जो सीधे तौर पर उस तरह से नहीं जुड़ा था, जिसे दिक्कत हो सकती थी, और इस वजह से कई लोगों ने रिगार्ड भी किया इसे। पर
आज जब हम ये पूरा दौर देखते हैं और उसमें आपके दोस्त वाली बात देखते हैं, तो सचमुच में कभी पता नहीं चला किसी को कि कोई कॉमनर भी संजय दत्त का दोस्त था? क्या उन्हीं परिस्थितियों में दोस्ती हुई थी आपकी? मेरे हर दोस्त कॉमनर्स ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन कॉमनर्स इन द सेंस के मतलब कि ये फिल्म इंडस्ट्री से हटके मोस्टली मेरे दोस्त ऐसे रहे हैं। वजह क्यों मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मेरे शायद हमारे वी थॉट लाइक दैट ईच अदर, या पता नहीं, वो लड़के वो इंसान भी बहुत अच्छे थे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग ने कभी मेरे मुश्किल वक्त पे कभी मुझे छोड़ा नहीं, कभी भी, चाहे कमली हो या रॉबिन हो या महेश भट्ट जी हो या विनोद चोपड़ा साहब हो। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट बहुत अच्छा लिखा आपके लिए, आपने पढ़ा होगा उसे, आपके जो दोस्त असलियत में शायद परेश नाम है उनका, परेश जी, तो जिसमें उन्होंने उस दौर का जिक्र किया कि किस तरीके से नहीं उन्हें गुस्सा होना चाहिए था, वो जो रिश्ता नहीं रहा दोनों के बीच। तो संजय दत्त बहुत ही इमोशनल इंसान है। जी मैं काफी इमोशनल इंसान हूँ, काफी, और हर रिश्ते को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जी आपकी फिल्म में जो चीजें निकली उसमें एक और बात थी जो लोगों को नहीं पता थी कि 2000 से ज्यादा किलोमीटर चलते हुए चले गए आप। हाँ, काफी किलोमीटर चलते हुए गया, फिर एक लिफ्ट मांगी, फिर एक बस ली, फिर पैसे लिए और फिर पहुंचा। 700 पन्ने लिखे गए थे जिसमें से 100 पन्नों पर फिल्म बनी है। जी काफी काफी बातें हुई हैं राजू के साथ और वो काफी कंप्रेस करके। आपके फैंस को तो लग रहा था कि जैसे मुन्ना भाई एक पार्ट दो पार्ट और तीसरा पार्ट, क्यों नहीं संजू भी एक पार्ट दो पार्ट तीसरा पार्ट इस तरह से आए। अरे ऐसा मत बोलिए, वो मुन्ना भाई नहीं बनेंगे फिर। क्योंकि जिंदगी के जो सबसे विवादित चैप्टर्स थे आपके, वो इसमें टच कर लिए गए हैं, लेकिन बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें जो लोग जानना चाहते थे, शायद उस तरीके से यहाँ पर नहीं आया आपका। यहाँ मैं फिल्म इंडस्ट्री में इस समय कोई है जिसको लगता है कि इसकी जिंदगी पर भी बायोपिक बननी चाहिए? मुझे पता नहीं एक्चुअली, ये क्वेश्चन, ये सवाल, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मतलब इंटरेस्टिंग जिंदगी वाले और लोग भी हैं आसपास आपके? शायद होंगे। बहुत हिम्मत लगती होगी अपनी बात, अपनी कहानी सामने रखने में? सही कहूँ मैं आपसे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हिम्मत होती है और ये होता है। मुझे ये मेरी जिंदगी मुझे कहनी थी, और अगर ये फिल्म के जरिए नहीं होती तो मैं बिल्कुल एक किताब लिख देता था, लेकिन मैं चाहता था कि लोगों को ये कहानी पहुंचे। पर किताब भी तो आएगी अभी? नहीं? आएगी आएगी, आएगी। मतलब आप खुद उसमें वो 700 पन्ने रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। मतलब जो फिल्म में नहीं दिखा उसे लोग पढ़ सकते हैं। जी लेकिन पहले राजू को पूछ लूं, पार्ट 2-3 भी बनाने वाले हैं तो फिर, या मुन्ना भाई बनाएंगे पहले? तो पहले मुन्ना भाई, बाद में पार्ट 2-3 आ जाएगी। साहिब बीबी गैंगस्टर चूंकि आपकी रिलीज होने वाली है, आपका बर्थडे उसके सिर्फ 2 दिन बाद है। जी बर्थडेज अभी भी इम्पोर्टेंट होते हैं? मतलब लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 58 साल के संजय दत्त हैं, दिखते नहीं है बिल्कुल आप। थैंक यू। लेकिन इस वक्त इतनी अहमियत नहीं रखती कि बर्थडे है तो ये है और पार्टी। बच्चे तो मनाते होंगे आपके बर्थडे? आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं, 8 साल के हो जाएंगे, तो हाँ अपने हिसाब से वो थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन एक वो होता था कि एक जश्न मनाया जाए, बड़ी पार्टी हो, वो अभी उसमें मन नहीं लगता। अच्छा। हाँ बेटर है कि थोड़ा काम वाम करिए करें ऐसा। क्या ये बदलाव आया है आपकी जिंदगी में? पता नहीं क्या हो गया, शायद इतने साल केस में रह के या इतने साल जेल में रह के, ऐसा पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन ऐसा हो गया। संजय दत्त स्पिरिचुअल हो गए हैं क्या? मैं हमेशा था, लेकिन ये जेल में जाके मैंने सोचा कि हमारे हिंदू शास्त्र मुझे ज़रूर पढ़ने चाहिए, और मुझे अच्छा मौका मिला तो मैंने सब पढ़ लिया। मतलब मैंने ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, महाभारत, रामायण, अपना शिव पुराण, गणेश पुराण। अच्छा जी, आपकी जो फिल्म संजू में जो आपके पिता से आपके रिश्ते दिखाए गए, विधु विनोद चोपड़ा बैठे थे तो उन्होंने कहा था मैं ये फिल्म सिर्फ इसलिए रिकमेंड करूंगा कि एक बाप बेटे का रिश्ते के लिए ये फिल्म देखना चाहो। मैं कई दफ़ा रो गया, बहुत लोग कई दफ़ा इमोशनल भी हुए। आप अपनी फिल्म को देखकर इमोशनल हुए थे? मैं बहुत इमोशनल हुआ।
कई मर्तबा मैं चाह रहा था कि अभी बंद कर दो पिक्चर, मैं और नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी वापस मुझे जीने को मिली। मुझे दत्त साहब याद आए, मुझे याद आया कि जब वो रात जब मैं उनको मिलने वाला था वो नहीं मिल पाए, वो कितनी चीज़ें बोलनी थी मुझे, मैं नहीं बोल पाया, तो काफ़ी चीज़ें याद आई थी और काफ़ी हद तक मैंने, लेकिन जब पिक्चर ख़त्म हुई मैं बहुत फूट फूट के रोया, राजू वो सबको पकड़ गए। आपके जैसे रिश्ते थे दत्त साहब से और आपके जैसे रिश्ते हैं अपने बेटे से, कंपेयर कर पाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि दत्त साहब के साथ जैसा रहूं। अच्छा जी, बिल्कुल। और वो एंड का जो डायलॉग है वो मैं हमेशा दोहराता हूँ कि तुम दादा की तरह बनो, मेरी तरह नहीं बनो कभी भी। आप चाहते हैं वो दादा जैसे बने बड़े? बिल्कुल, दोनों। और दोनों सुनते हैं आपकी बातों को? अभी समझ नहीं पाते? समझ नहीं पाते, एक दिन समझ जाएंगे। आप उनके लिए भी कुछ दस्तावेज रखते रहते हैं कि ये बड़े हो इनको याद रहे मेरी बातें अच्छे से? करता रहता हूँ, और काफ़ी एक नॉर्मल बच्चों की तरह उन्हें कोशिश करता हूँ रेज करना। अच्छा, इस करियर के इस मुकाम पर पहुँच के, जैसे एक साहब बीवी गैंगस्टर की तीसरी किश्त आ रही है, मुन्ना भाई का इंतजार सब कर रहे हैं, आपने कुछ गोल सपने लिए रखे हैं कि मैं अब ये भी करना चाहता हूँ, ये नहीं कर पाया पूरी ज़िंदगी में, अभी ये भी कुछ वैसे रोल्स? मैंने सब रोल्स जितने भी मैंने किए हैं, मैं सब रोल्स से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी उम्र है उस हिसाब से मैं रोल करूँगा। आप समझे कि नहीं, जैसे कि अभी हॉलीवुड में आप देखिए डेंजल वॉशिंगटन है या केविन कॉस्नर है या मेल गिब्सन है, उस किस्म का किरदार का। अच्छा, मतलब ये बहुत पेड़ों के पीछे वाला रोमांस सब नहीं, कुछ एक सीन सीरियस? लोग हंसेंगे मेरे पे अगर पेड़ों के पीछे और फूलों के पीछे नाचूंगा किसी छोटी एक्ट्रेस के साथ। तो शाहरुख खान वगैरह भी तो 50 पार कर गए, मैं तो उनसे भी बड़ा हूँ ना। स्क्रीन की एज की बात होती है। ये बताइए कि इस फिल्म का वो पॉलिटिशियन कौन था? सच में कोई कभी ऐसा हुआ था कि कोई सो जाता था? हाँ, होता था बिल्कुल। हाँ, लोग उस साल के साथ अटकलें लगा रहे हैं, आप फिल्म में नहीं दिखाया तो शायद बताना नहीं चाहेंगे कि वो पॉलिटिशियन कौन है। बिल्कुल। लेकिन क्या वापस कभी अपनी पॉलिटिकल पारी याद आती है कि मैं वापस पॉलिटिक्स में जाऊँ? कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जाऊँगा। कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जिसकी वजह से? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो पहले तो वहाँ जाके मंच पे क्या मैं बोलूँ, भाषण देना आता नहीं, डायलॉग पढ़ना ज़्यादा आता है, और वहाँ जाके क्या बोलूँ, वहाँ के मुद्दे क्या हैं मुझे कुछ समझ ही नहीं है, तो मैं बेहतर है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मैं एक्टर हूँ, तो बेटर है वो एक्टिंग ही करूँ। बहुत सारी चीज़ें आपकी इस बातचीत से हमें समझ में आई हैं। वाकई संजय दत्त अपने आप को एक अच्छे इंसान के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। संजय दत्त कहते हैं कि मुझे किसी की बात से अब कोई परवाह नहीं, और आगे की भी चीज़ें आपने अपने लिए रफली सोच रखी हैं। अपने आज से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको दोबारा अगर जन्म लेने को मिलेगा तो आप दोबारा संजय दत्त की ज़िंदगी, आप दोबारा जन्म लेना चाहेंगे संजय दत्त के तौर पर? बिल्कुल लेना चाहूँगा, क्यों नहीं। मेरी एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली थी, अच्छे माँ बाप थे, अच्छी बहनें हैं, उन्होंने सब दिया मुझे, लेकिन हाँ अगर आप मुझे ये पूछें तो फिर जो संजय दत्त ने गलतियाँ की वो नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सीधी बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात, अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से फिर होगी सीधी बात। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।